गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू फैशन स्टाइल एंड ग्लैमर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाइलिंग टिप्स फॉर टॉल गर्ल्स। नॉर्मली गर्ल्स की आइडियल हाइट 5 फीट 6 इंचेस तक मानी जाती है। इससे ज़्यादा हाइट वाली गर्ल्स टॉल गर्ल्स की कैटेगरी में आती हैं। अगर आप भी एक टॉल गर्ल हैं और आप अपनी हाइट को कम दिखाना चाहती हैं तो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ में कुछ स्टाइलिंग टिप्स, जैसे कि आप इल्यूजन क्रिएट कर सकती हैं एक शॉर्टर हाइट का और दिखा सकती हैं अपनी एक्चुअल हाइट को फ्यू इंचेस शॉर्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर एक इंसान का बॉडी टाइप हर दूसरे इंसान से अलग होता है। उसी हिसाब से उनके कपड़ों की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। मार्केट में भी डिफरेंट बॉडी टाइप के हिसाब से डिफरेंट आउटफिट्स अवेलेबल होते हैं। उन अवेलेबल आउटफिट्स में से हमें अपने बॉडी टाइप के हिसाब से सूटेबल आउटफिट्स पिक करने जरूरी हैं। कि अगर हम अपने बॉडी टाइप के हिसाब से आउटफिट्स को पिक करते हैं तो वो हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम अपने आउटफिट्स को अपने बॉडी टाइप के हिसाब से पिक नहीं करते हैं तो वो हमारे लुक को खराब भी कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें किस तरीके के आउटफिट अपने लिए पिक करने चाहिए। अगर आप एक टॉल गर्ल हैं और आपको जीन्स टॉप पहनना बहुत पसंद है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉल गर्ल्स को अपने लिए किस तरीके के टॉप्स पिक करने चाहिए जिनकी हेल्प से वो दिख सकेंगी वाइडर एंड शॉर्टर। एंड स्लिम गर्ल्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन है पेपलम टॉप। पेपलम टॉप आजकल काफी ट्रेंड में भी और काफी स्टाइलिश लुक भी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन से आइडिया ले सकते हैं कि पेपलम टॉप ऊपर से फिटेड रहते हैं और वेस्ट एरिया पर से उसमें फ्लेयर ऐड हो जाता है, जिसकी हेल्प से वो आपको एक वाइडर लुक प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ब्रॉडर एंड वाइडर नजर आएंगे तो आपकी हाइट लगेगी कम। फ्रेंड्स के लिए मैंने यहाँ पर काफी सारे डिजाइन ऐड करे हैं पेपलम टॉप के, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आप किस किस पैटर्न एंड स्टाइल्स में अपने लिए पेपलम टॉप पिक कर सकती हैं। गर्ल्स के लिए नेक्स्ट टिप है हाई नेक डिजाइंस। आपको अपने लिए टॉप पिक करते हुए उनके नेक डिजाइंस पर भी खास ध्यान देना है। आप जो भी टॉप पिक करें उनके नेक डिजाइंस आप हाई नेक डिजाइंस रखें। नेक डिजाइन अपने लिए ले सकती हैं जिसमें कि आपका नेक लाइन अच्छे से कवर अप हो, जैसे कि आप बोट नेक ले सकती हैं, टर्टल नेक ले सकती हैं। इसके अलावा कोई भी हाई नेक डिजाइन आपके लिए सूटेबल रहेगा। आपको अवॉइड करने हैं डीप नेक डिजाइन, चाहे राउंड नेक हो, वी नेक हो या फिर यू नेक डिजाइन हो, ये सभी डिजाइन आपको अवॉइड करने हैं। इसके अलावा आप शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलर वाले डिजाइन भी अपने लिए पिक कर सकती हैं। लॉन्ग कॉलर में आप शर्ट्स अपने लिए पिक कर सकती हैं, वो भी काफी सूटेबल रहते हैं। स्टाइलिश लुक के लिए आप इस तरीके के डिजाइन भी पिक कर सकती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं, ये भी काफी स्मार्ट एंड डिसेंट लुक प्रोवाइड करते हैं। टिप है स्लीव्स डिजाइन। अगर आप टॉल एंड स्लिम गर्ल हैं तो आपको अवॉइड करने हैं प्लेन एंड सिंपल वाली स्लीव्स के डिजाइन। आपको अपने लिए पिक करने हैं वो स्लीव्स डिजाइन जिसमें थोड़ा सा वॉल्यूम एडेड होता है, जैसे कि पफ्ड स्लीव डिजाइन हो गया। इसके अलावा आप ऐसे स्लिप डिजाइन भी अपने लिए पिक कर सकती हैं जिसके अंदर में एक्स्ट्रा डिटेलिंग ऐड हो, जैसे कि रफल डिजाइन हो गया, फ्रिल वाले स्लिप डिजाइन हो गए। इसके अलावा बेल स्लिप डिजाइन भी आपके लिए काफी सूटेबल रहेंगे, क्योंकि ये सभी डिजाइन आपके स्लिप्स में वॉल्यूम ऐड करते हैं, जिससे कि आपको मिलता है एक वाइडर होने का इम्प्रेशन, जिससे कि आपकी हाइट लगती है फ्यू इंचेस शॉर्टर। टॉल गर्ल्स के लिए नेक्स्ट टिप है ऑफ शोल्डर टॉप। अगर आप ऑफ शोल्डर टॉप पहनने में इंटरेस्टेड हैं तो इस तरीके के टॉप्स आप अपने वार्डरोब में जरूर शामिल करिए। शोल्डर टॉप्स में आपके शोल्डर्स काफी अच्छे से विजिबल होते हैं, जिससे कि आपको इम्प्रेशन मिलता है एक वाइडर बॉडी फ्रेम का। और अगर आप वाइडर दिखती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट लगती है शॉर्टर। साथ आजकल ये टॉप्स काफी ट्रेंड में भी हैं और गर्ल्स की फर्स्ट चॉइस भी हैं। गर्ल्स के लिए नेक्स्ट टिप है रफल एंड फ्रिल डिजाइन। अगर आप टॉल एंड स्लिम गर्ल हैं तो रफल एंड स्लिप डिजाइन आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। फ्रिल डिजाइन की हेल्प से आप इल्यूजन क्रिएट कर सकती हैं कि आप बहुत ज्यादा स्लिम नहीं हैं। साथ ही साथ ये हेल्प करेगा आपके अपर बॉडी पार्ट में वॉल्यूम ऐड करने में, जिससे कि आपको एक वाइडर लुक मिलेगा। इस तरीके के टॉप पिक करने हैं जिसमें रफल डिटेलिंग हो या फिर फ्रिल की डिजाइनिंग हो, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे एक ब्रॉडर इम्प्रेशन देने में और आप दिखेंगी छोटी। गर्ल्स के लिए नेक्स्ट स्टेप है हॉरिजॉन्टल प्रिंट्स एंड पैटर्न्स। अगर आप कुछ स्ट्राइप्स में वेयर करना चाहती हैं तो आप हमेशा अपने लिए पिक करिए हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाले टॉप्स या शर्ट्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाले टॉप भी आपको एक वाइडर इंप्रेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, जिससे आपका बॉडी फ्रेम लगता है वाइडर, जिससे कि आपकी हाइट लगती है कम। बट आपको अवॉइड करने हैं वर्टिकल स्ट्राइप वाले टॉप, क्योंकि वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले टॉप्स आपको स्लिमिंग इंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं और आप दिखती हैं और ज़्यादा लंबी। इसके अलावा आप हॉरिजॉन्टल प्रिंट्स एंड पैटर्न वाले कोई भी डिज़ाइन अपने लिए पिक कर सकते हैं, जिसमें जो डिज़ाइन है वो प्लेस्ड हों हॉरिजॉन्टली। इसके अलावा अगर आप कुछ प्रिंट्स एंड पैटर्न्स में वेयर करना चाहते हैं तो आप जो भी प्रिंट्स अपने टॉप के लिए पिक करें वो बिग एंड बल्की प्रिंट्स पिक करें, क्योंकि बिग एंड बल्की प्रिंट्स भी आपके बॉडी फ्रेम को एक वाइडर लुक प्रोवाइड करते हैं। अवॉइड करिए स्मॉल प्रिंट्स एंड पैटर्न्स, जैसे कि पोल्का डॉट हो गया, पिन डॉट वाले पैटर्न्स हो गए। टिप है कलर ऑफ योर टॉप। आप अपने लिए जब भी टॉप पिक करें तो उसके जो कलर्स हैं वो लाइट एंड ब्राइट रखें, एंड आप अवॉइड करें बोल्ड एंड डार्क कलर के टॉप्स। ब्राइट कलर के टॉप्स रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जिससे कि आपके बॉडी फ्रेम को एक वाइडर इंप्रेशन मिलता है।
इसके अलावा आप लेयरिंग के थ्रू भी वाइडर इम्प्रेशन क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि आप जैकेट्स वेयर कर सकती हैं अपने टॉप्स के साथ में। जैसा कि आप स्क्रीन से आइडिया ले सकती हैं कि विद जैकेट एंड विदाउट जैकेट आपके ओवरऑल आउटफिट के लुक में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके की पिक्चर शेयर करी है विद जैकेट एंड विदाउट जैकेट के साथ में। अगर आप ऑफिस एंड कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, इन दैट केस अगर आप इस तरीके के जैकेट्स कैरी करती हैं तो वो आपको स्मार्ट एंड सोफिस्टिकेटेड लुक तो प्रोवाइड करती ही हैं, साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश लुक भी आपको मिल जाता है। इस तरीके की हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाली जैकेट्स भी अपने आउटफिट के साथ में पेयर कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। इस तरीके की फैब्रिक वाले जैकेट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आप इन्हें ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर अपने लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। आप प्लेन वाली जैकेट्स भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि शर्ट्स के साथ में काफ़ी स्मार्ट और प्रोफेशनल लुक आपको प्रोवाइड करती हैं। टॉल एंड स्लिम गर्ल्स के लिए नेक्स्ट टिप है कि वो हैवी एम्बेलिशमेंट्स वाले या फिर एम्ब्रॉयडरी वाले टॉप या शर्ट विदाउट एनी सेकंड थॉट पिक कर सकती हैं, जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी हो, पर्ल वर्क हो, स्टोन वर्क हो आप वेयर कर सकती हैं, या कोई भी हैवी पार्टी वेयर टॉप हो विद एम्बेलिशमेंट्स एंड एम्ब्रॉयडरी आप वेयर कर सकती हैं। गर्ल्स के लिए नेक्स्ट टिप है पिक लॉन्ग टॉप्स। आप अपने लिए जब भी टॉप्स पिक करें तो कोशिश करिए थोड़े से लॉन्ग वाले टॉप्स पिक करिए एंड अवॉइड करिए शॉर्ट वाले टॉप्स या फिर क्रॉप टॉप आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। शॉर्ट या फिर क्रॉप टॉप से आपका अपर बॉडी पार्ट काफ़ी छोटा लगता है और आपकी लेग्स काफ़ी लंबी नजर आती हैं, जिससे कि आपको इल्यूजन मिलता है एक लॉन्गर बॉडी फ्रेम का। अपने लिए जो भी टॉप पिक करें कोशिश करिए वो थोड़े से लंबे हों, क्योंकि लॉन्ग टॉप्स में आपका जो अपर बॉडी पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं नज़र आएगा और साथ ही साथ आपकी लेग्स भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं दिखेंगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लॉन्गर बॉडी फ्रेम का इल्यूजन नहीं मिलेगा। आपकी हाइट आपकी एक्चुअल हाइट से दिखेगी फ्यू इंचेस कम। इसके लिए नेक्स्ट टिप है डिफाइंड वेस्ट लाइन। अगर आप अपनी वेस्ट लाइन को डिफाइन करते हैं बेल्ट की हेल्प से या फिर अदर एक्सेसरीज की हेल्प से, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट को डिवाइड करने में, और आपको इम्प्रेशन मिलता है एक शॉर्टर हाइट का। अगर आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो आप कोशिश करिए अपने लिए ब्रॉडर वाली बेल्ट पिक करने की, क्योंकि ब्रॉडर वाली बेल्ट की हेल्प से आप अपने ओवरऑल बॉडी फ्रेम को डिवाइड कर सकती हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि हेल्प करेंगे आपको इल्यूजन प्रोवाइड करने में एक शॉर्टर हाइट का। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप भी इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं एक शॉर्टर हाइट का और अपनी एक्चुअल हाइट को दिखा सकते हैं फ्यू इंचेस शॉर्टर। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी स्टाइलिंग टिप्स फॉर स्लिम गर्ल्स, अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड साइड में बने हुए बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।